अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से आप लोग कार्ड पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। और उससे पहले मैं ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि किस तरह से आप कस्टम शॉप पेज बना सकते हैं, कस्टम प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप चेकआउट पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट विजिट्स को ऐड या डिलीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स और अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, जिस तरह से भी आप डिज़ाइन करना चाहें। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, अगर मैं चेकआउट पे क्लिक करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का चेकआउट पेज शो होता है हर तरह हर बार जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें इसको कस्टमाइज़ करना है। हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे एलिमेंटर को यूज़ करते हुए। तो हमें क्या करना है, इस पेज को सिंपल इस तरह से एडिट कर लेना है। और आपके पास एलिमेंटर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे मैंने इसको एडिट किया, एडिट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन मेरे पास आ गया, मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल इस पर इस तरह से क्लिक करूँगा। अब क्या है कि मेरे पास ये जो है स्क्रीन शो हो जाएगी एलिमेंटर का जो एडिटर मोड है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, इसमें मैं क्लिक करूँ तो ये शॉर्ट कोड से एडिट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, इसको मैं यहाँ से सेटिंग में सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा एलिमेंटर फुल विड्थ। अब यहाँ पे हमारे पास जो पेज आएगा वो एलिमेंटर फुल विड्थ का पेज आएगा। अब इसको हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो चले लेट्स से यहाँ पे मैं एक सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। इसको मैं ज़रा पैडिंग दे देता हूँ परसेंटेज के अंदर 5 and bottom 5, राइट। और इसके बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक इमेज लगा देता हूँ। और इस इमेज को मैं ज़रा सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से सेंटर के अंदर, या जो भी जहाँ पे भी आप इसको सेटअप करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, क्विकली एक छोटा सा थोड़ा सा ओवरले लगा देता हूँ, ब्लैक इफेक्ट लगा देता हूँ, ताकि अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो आने वाला टेक्स्ट है वो शो। इसके ऊपर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेकआउट। ओके, चेकआउट को मैं सेंटर में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। इसका जो कलर है वो मैं वाइट सेटअप करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये सेक्शन ऐड हो गया। अब इसके नीचे मैं ये मेरे पास चेकआउट का कुछ इस तरह से, इसके नीचे कुछ इस तरह से मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पे एक और सेक्शन लेंगे। एक और सेक्शन लेने के बाद इस सेक्शन को मैं स्टिल थोड़ा सा मार्जिन दे दूँगा टॉप और बॉटम से। लेट्स सपोज मैं 5 टॉप से दे देता हूँ, बॉटम से 5। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना और यहाँ पे आपने सर्च करना है कार्ट। तो सिंपल आपने ये वाला ऑप्शन ऐड करना है। मैं यहाँ पे जो है अस्ट्रा थीम यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ साथ एलिमेंटर यूज़ कर रहा हूँ और एलिमेंटर प्रो भी यूज़ कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो अस्ट्रा है वो मेरे पास प्रीमियम है। अगर एलिमेंटर प्रो और अस्ट्रा प्रीमियम आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप भेजते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं आप लोगों को आपकी वेबसाइट के ऊपर अस्ट्रा प्रीमियम विद एजेंसी लाइसेंस और एलिमेंटर प्रो सेटअप करके दूंगा, राइट। तो चले चल, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वाले कार्ट को यहाँ पे जो है डिस्प्ले करना है। सॉरी, हम कार्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं जबकि ये चेकआउट पेज है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे चेकआउट पेज यहाँ पे ये वाला डिस्प्ले करवाना है। सिंपल मैंने इस यहाँ पे इसको इस तरह से शो करवा दिया। अब यहाँ पे देखें, ये चेकआउट पेज कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसको मैं 1-2 कॉलम है, इसको मैं 1 कॉलम भी शो करवा सकता हूँ कुछ इस तरह से, लेकिन 2 कॉलम मेरे ख्याल से ज़्यादा सही लग रहा था। तो इस तरह से मैं इसको 2 कॉलम शो करवा देता हूँ। अच्छा, स्टिकी राइट, तो मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें जे वाला जो है वो स्टिकी रहेगा हमेशा, ये स्क्रॉल नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, ये वाली बटन्स की सेटिंग्स हैं, टेक्स्ट है, इनको आप चेंज कर सकते हैं, इनकी जो अलाइनमेंट है उसको सेट कर सकते हैं, बिलिंग डिटेल की जो टेक्स्ट है यहाँ पे देखें, ये फील्ड्स हैं डिफरेंट आपके पास, यहाँ पे देखें ये सारी फील्ड्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इनका नाम वगैरह, इनका एडवांस ऑप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब इस सेक्शन के अंदर जो भी सेक्शंस हैं उन सब की सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उनका टेक्स्ट चेंज करना है, उनकी बेसिक सेटिंग्स जो है वो चेंज करनी है, वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट।
उसके बाद अब हमें डिज़ाइन की तरफ चलना है। तो डिज़ाइन के लिए यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो हम स्टाइल में आ गए। स्टाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखें डिफरेंट सेक्शंस हैं, और डिफरेंट सेक्शंस के यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन के ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे यह इसका पूरा बैकग्राउंड का मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं कुछ इस तरह से जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बैकग्राउंड कलर सेट नहीं करना तो मैं इसको वो कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे बॉक्स शेडो लगाना है, यहाँ पे देखें तो मैं बॉक्स शेडो कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन ये भी मुझे नहीं लगाना, आप लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं इसके इर्द गिर्द, वो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। टाइपोग्राफी, अब यहाँ पे देखें हमारा जो ये फॉन्ट है ये और फॉन्ट है, जबकि यहाँ पे देखें ये और फॉन्ट है। अब हमें क्या करना है कि यही वाला फॉन्ट हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं क्विकली देख लेता हूँ कि ये फॉन्ट हमारा कौन सा फॉन्ट है, तो मैं इसके लिए एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, व्हाट फॉन्ट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉन्ट है वो है बार्लो सेमी कंडेंस्ड, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये टाइपोग्राफी है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लेट्स सपोज बार्लो सेमी कंडेंस्ड। तो यहाँ पे देखिए ये वाले जो डिटेल्स हैं वो उसी के अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी भी स्टिल ये वाली रहती हैं। तो इसी तरह से हम ये टाइटल्स के हमने चेंज किए, इसी तरह यहाँ टाइटल के कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। आप ग्रीन तरह के कुछ लगाना चाह रहे हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट आपके पास फ्रीडम है, वो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सेकेंडरी टाइटल्स है, इसकी जो फॉन्ट है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से बार्लो सेमी कंडेंस्ड, तो ये भी हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें एक साइज़ का ऑप्शन है, आप फॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी वेट और ट्रांसफॉर्मर स्टाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका ये जो मैसेज है उसकी कलर्स और सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर्म है, ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्म है, इसका जो है कलर वगैरह और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारी डिज़ाइनिंग ऑप्शंस मौजूद हैं, फील्ड का कलर चेंज करना है आपने, लेबल्स का कलर चेंज करना है, कॉलम्स के अंदर जो गैप है उनका कलर चेंज करना, उनका जो गैप है वो ज़्यादा करना है, देखिए इस तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं। रोज़ का जो गैप है कुछ इस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेबल्स जो हैं, जो ये वाले लेबल्स हैं इनका कलर आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी इनके चेंज करनी है तो हम क्या कर देते हैं इनको भी वो ही कर देते हैं बार्लो सेमी कंडेंस। तो यहाँ पे देखें उसी तरह से मैच हो गया, इसको मैं ज़रा ब्लैक ही रहने दूँगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बटन्स हैं, इन बटन्स का क्या कर सकते हैं आप, टाइपोग्राफी कलर शेडो एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे आप चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं इस पूरे को डिज़ाइन करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और सेक्शन ऐड करना है, जिस तरह से ये सेक्शन मैंने ऐड किया था, तो अब वो आप ऐड कर सकते हैं। बॉटम के अंदर लेट्स सपोज बॉटम के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा रिलेटेड प्रोडक्ट या अपसेल अगर मैं लिखूं, तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मैं शो करवाना चाह रहा हूँ और प्रोडक्ट्स, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स, तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स मैं शो करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे वो शो हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन मुझे यहाँ पे ऐड करना है, कुछ और ऐड करना है, ये वूकॉमर्स का है और इसके अंदर बहुत सारे विजिट्स हैं। परचेज समरी मुझे यहाँ पे ऐड करनी है अगेन, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये इसको मैंने ऐड किया और यहाँ पे हमारे पास जो है वो परचेज समरी शो हो जाएगी। यू नीड एटलीस्ट वन वू कॉमर्स ऑर्डर टू प्रीव्यू दिस, तो आपको यहाँ पे ये सारी ऑर्डर करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको प्रीव्यू समरी शो हो जाएगी। इसके अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वू कॉमर्स के अंदर अगर आप आएंगे तो काफ़ी सारे विजिट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं कहाँ, यहाँ पे, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप चेकआउट पेज को एडिट कर सकते हैं, इसी तरह से आप बाकी पेजेस को भी एडिट कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको डिटेल के अंदर वो जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ताकि किसी तरह का कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।